आइए दोस्तों, अब आपको गोल्ड स्मिथ की एजुकेशन में सोने के बटनों की जानकारी दी जाएगी। सोने के बटन आमतौर पर कई तरह के बनाए जाते हैं। कहते हैं कि शौक का कोई मूल्य नहीं होता। बहुत ही प्रसन्नता के साथ इसे पहना जाता है। लेडीजों में सूट के बटन, कोट के बटन, जैकेट के बटन और जेंट्स में भी कोट के, जैकेट के और कमीज के बटन अलग अलग बनाए जाते हैं। सबसे प्रथम हम लेडीज बटनों की जानकारी दे रहे हैं। देखिए, मेरे पास कुछ सैंपल हैं। एक ये बटन है, एक ये बटन है। देखिए किस प्रकार से। प्रथम इन बटनों को बनाने से पहले चौरस रेडी तैयार की जाती है। उसको मशीन में देकर के तार खींच ली जाती है। तार खींचने के बाद उसका सांचा तैयार किया जाता है कि गोल बटन बनाने हैं, चौरस बनाने हैं, पान वाले बनाने हैं या फिर तारों को छोड़कर डाइयों वाले बनाने हैं, क्योंकि डाई वाले बटनों में कम समय लगता है। डिजाइन वाले समय में कुछ ज़्यादा लग जाता है। तो देखिए किस प्रकार से ये तारों वाले बटन आपको दिखाए जा रहे हैं। ये कमीज के ऊपर लगाए जाते हैं। इसमें से तारें खींच करके बारीक बारीक तारें मोड़ ली जाती हैं गोलाई के आकार में, और उसके ऊपर गोल रवे लगाए जाते हैं और उसके बाद उसकी कटिंग कर दी जाती है। इसे कमीज पे ऊपर लगा दिया जाता है। सुई और धागे से कमीज के ऊपर लगा दिया जाता है और उसकी कमीज की शोभा बढ़ जाती है। दूसरा डिजाइन भी आप देख रहे हैं, इसमें कुछ डाइयों का भी प्रयोग है कि देखिए आप कि कुछ डाइयाँ नीचे लगी हुई हैं और ऊपर कुछ गोल रवे काट कर लगाए गए हैं। बीच में उभरी हुई तारे हैं, जैसे उभार करके तारे लगाई जाती हैं। प्लास्टर के ऊपर रबड़ लगा करके पहले रबड़ के ऊपर सजावट होती है, फिर उसके ऊपर प्लास्टर डाल दिया जाता है। प्लास्टर के बाद नीचे से उसे जोड़ दिया जाता है और उसके ऊपर कुछ डिजाइनिंग बनाई जाती है। डिजाइनिंग बनने के बाद उसे अच्छी तरह धो दिया जाता है, पॉलिश कर दिया जाता है, उसके बाद डिजाइन तैयार हो जाता है। ये कम से कम 1.5 ग्राम के बटन तैयार हैं। 1.5 ग्राम की जोड़ी बटनों की तैयार है। 3 ग्राम के भी बना सकते हैं वजन के हिसाब से। कुछ नगों वाले भी बनाए जाते हैं, जैसे ये मेरे पास नग हैं। ये आप नग देख रहे हैं, ये देख रहे हैं नग। तो इन नगों के ऊपर फ्रेम लगा करके बटन तैयार किए जाते हैं। कोट के बटन तैयार हो जाते हैं, कमीज के बटन भी तैयार हो जाते हैं जेंट्स में। ये गोलाई के आकार का बटन है, ये कोट के ऊपर भी लगाया जा सकता है, कमीज के ऊपर भी लगाया जा सकता है। तो थोड़ी सी ये जानकारी मैंने आपको बटनों के माध्यम से दी। अगले भाग में फिर और विषय लेकर के आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा।